आपको बताते हैं हमारे DMS 18P ट्रिपल रीड मॉडल के बारे में। आपने पहली वीडियोस में देखा होगा हमारा DMS 18P डबल रीड मॉडल है, जो काफ़ी हमारा बेस्ट सेलिंग मॉडल भी है। उसी में की वेरिएशन है ये 18P ट्रिपल रीड में मॉडल है, जो हमारी वेबसाइट पे अभी लिस्टेड नहीं है, बट बहुत जल्दी आपको उस पर नज़र आएगा। इसमें 3 डेली स्टाइल के रीड्स लगे हैं और नो स्टॉप्स, इसमें आगे कोई स्टॉप्स नहीं है, और 3.5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है और राइट एक्शन कपलर लगा है कि अगर आप सेंटर का की दबाते हैं तो राइट वाला आगे का की दबता है, तो जिससे थोड़ी शार्पनेस ऐड होती है आवाज़ में, थोड़ा हाई पिच टोन उसमें ऐड होता है। इसमें स्लाइडिंग जाली लगी है, आप इसमें देख सकते हैं ये स्लाइडिंग जाली है, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं जिससे साउंड थोड़ी सी वॉल्यूम कंट्रोल होता है। अगर आप इसको बंद करके बजाते हैं तो थोड़ी मेलो, थोड़ी डेप्थ वाली साउंड आती है। अगर मैं इसकी जाली खोल देता हूँ तो ये ज़्यादा लाउड और बहुत कानों को लगता है थोड़ा, आप गाना मुश्किल है इसके साथ, लेकिन आप म्यूज़िक के लिए इसे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। सस्टेन भी बाजे का बहुत अच्छा है। बाकी मैं आपको इसको विदाउट कपलर भी सुनाता हूँ जाली बंद करके। ये इसकी जाली बंद करके आवाज है और ये जाली खोल के है। थोड़ा गाने में इसमें दिक्कत होगी अगर आप इसको जाली खोल के करते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत लाउड है। हालांकि काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं कि इसमें वॉल्यूम लाउड हो, तो और अगर आपको कपलर ऐड करना है और राइट हैंड कपलर है तो इसका हायर पिच ऐड होता है, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी शार्प है। ये कलैप्सिबल मॉडल है 18P, पी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल, तो इसको आप बंद कर सकते हैं, नीचे कलैप्स हो जाता है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हारमोनियम का, जब भी आप उसको बंद करें तो चाबियों पे हाथ रख लें यूं करके और बेलो को बंद करें ताकि उसकी हवा सारी निकल जाए, वरना जो नीचे की बेलो है उसमें हवा भरी रह सकती है। और जब आप इसको कलैप्स करेंगे बाजे को इस तरह से, जब ये अंदर कैबिनेट के जाता है, तो ये पूरी तरह बंद नहीं होगा, और अगर आप उसको ज़ोर से ट्राई करते हैं तो बेलो फटने का भी डर रहता है। इसमें बास मेल फीमेल के डेली स्टाइल के रीड हैं, ऑल ब्रास, पालीटाना रीड्स नहीं है इसमें, क्योंकि पालीटाना रीड का मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ट्रिपल रीड में डेली स्टाइल के रीड बोर्ड्स में बहुत अच्छे नहीं बोलते, उनका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन वो समहाउ नैरो टंग है वो रीड, तो वो समहाउ आपको स्केल चेंजर हारमोनियम्स में ही बेटर साउंड करते हैं। बजाते बजाते मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, विदाउट कपलर के जब हायर ऑक्टेव नहीं बज रहा तो ये जरा ज्यादा स्वीट साउंड करता है। क्योंकि इस बाजे में स्टॉप्स नहीं है, इसलिए आपको जब खोलते हैं तो इसको कुछ करना नहीं होता, बस आप इसको ओपन करेंगे एंड इट्स रेडी टू प्ले। और ज़्यादा मैं इसके बारे में आपको कुछ डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, बिकॉज सिंस इट्स अ वेरी सिंपल हारमोनियम, बस इट्स रेडी टू प्ले, आप ओपन करिए और बजता है, कोई आगे स्टॉप्स नहीं है जिसमें मैं आपको ड्रोन्स के बारे में बताऊं या ट्रेमोलो बताऊं या स्टॉप्स का सेटअप बताऊं, इसीलिए इसकी वीडियो भी बहुत छोटी बनेगी और आप शायद जल्दी देख पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको ऐसी न्यू वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक हारमोनियम के बारे में क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ जब व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो उसका डिस्क्राइब करें कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें सिर्फ इतना ही लिखा होता है, एक फिक्स टेम्पलेट है, हाय आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में है वो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप उसी स्पेसिफिक हारमोनियम के बारे में लिख रहे हैं या किसी और हारमोनियम के बारे में लिख रहे हैं, या प्राइसेस चाहते हैं, शिपिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, सो आई विल बी एबल टू आंसर यू विद मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।